हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव रंजन। तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं पिछले 1.5 मंथ से झारखंड में था, तो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही पटना पहुंच चुका हूं गाइस। तो अब रेगुलर ब्लॉग पे काम करूंगा, रेगुलर नहीं लेकिन हाँ अल्टरनेट डेज पे अब ब्लॉग आएगा। फर्स्ट ब्लॉग और सेकंड ब्लॉग दोनों में बताया था कि मैंने एक जेल नंबर प्लेट ऑर्डर किया था, तो वो जेल नंबर प्लेट अपने पास आ चुकी है। तो सबसे पहले चलते हैं उसको फिटिंग करवाते हैं। यूट्यूब की मेरी फर्स्ट वीडियो से ही मेरी चैनल मोनेटाइज हो चुकी थी, तो गूगल की तरफ से एक एडसेंस पिन आता है जिसको आपको वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाके वो जो पेमेंट रहेगा आपको रिलीज करते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो वो एडसेंस पिन आ चुका है इंडियन पोस्ट ऑफिस में, मेरे को 7 फरवरी को डिलीवर कर दिए थे यूट्यूब, लेकिन अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी चलेंगे पोस्ट ऑफिस, उसको भी चेक कर लेंगे गाइस कि अपनी एडसेंस पिन आई है कि नहीं। अगर नहीं आई भी होगी, अगर नहीं भी मिलेगा तो फिर से उसको रीअप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसमें मैं पटना में नहीं था तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो अभी सबसे पहले चलते हैं वो काम करवाने के लिए। अभी मैं मॉड्स गैराज में हूँ, तो अभी दिखाता हूँ अभी आपको प्रॉपर अपनी बाइक की, अपनी वॉशिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। और आपको भी क्लिप भी ऐड कर दूंगा कि मेरी बाइक कैसी दिख रही थी, मतलब पूरे मच्छर लोग घर बना लिए थे ना। तो अभी सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाइक की लुक। अगर आप पटना में रहते हो तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो, सिरेमिक डिटेलिंग रैपिंग बाइक से लेके कार हर तरह का काम अवेलेबल होता है। और आप यहाँ देख सकते हो ये जो येलो पोलो है ये भैया का ही पोलो है, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे आके कोई भी काम करा सकते हो। मतलब समझो आपको पूरे पटना में, मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है, पूरे पटना में सबसे चीपेस्ट काम यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे रही अपनी बाइक, देखते हैं अभी क्या हाल हो गया बाइक का, क्योंकि 1 मंथ से अभी मेरी बाइक अभी निकली नहीं थी। तो देखते हैं पहले कवर हटाते, क्योंकि मैं अभी पटना पहुँचा तो मैं भी अभी तक बाइक को नहीं देखा हूँ कि बाइक की क्या हालत है। तो देखते हैं गाइस बाइक, मेरे को तो पूरा भरोसा है कि बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी होगी। ओ भाई गलत, भाई मच्छर घर बना लिए इधर। एक मिनट, गाइस तो ऐसी कुछ है मेरी बाइक की हालत, पूरी गंदी हो रखी है। अभी चलते हैं, सबसे पहले इसको वॉश करवाते हैं एकदम अच्छी तरह से, उसके बाद फिर मोटो ब्लॉगिंग पे कंटिन्यू करेंगे। मतलब 1.5 मंथ से समझो ये बाइक इसी तरह खड़ी के खड़ी थी, ऐसे में कवर लगा दिया था लेकिन तब भी इतना गंदा हो गया। सोचो भाई अगर कवर नहीं रहता तो मेरी बाइक की क्या हालत होती। और मेरे को भी सबसे ज़्यादा ये डर लग रहा है कि देखते हैं बाइक एक बार में स्टार्ट हो पाती है कि नहीं, क्योंकि 1.5 मंथ में आप समझो तो मतलब अभी ऑन किया तो मीटर काम कर रही थी, मीटर सब कुछ काम कर रही है। तो देखते हैं एक सेल्फ में ड्यूक 390 स्टार्ट हो पाती है कि नहीं 1.5 मंथ के बाद, तो ये भी अभी पता चल जाएगा। बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं। भाई देखो मीटर काम कर रहा है गाइस, किल स्विच ऑन किए हैं, फ्यूल पंप में गया ऑयल, जय श्री राम, बस एक बार में स्टार्ट हो जाए। ओ भाई लिटरली गाइस 390 ओपी, साइक्लोस ओपी, 390 नहीं मेरी बाइक साइक्लोस ओपी, एक सेल्फ में स्टार्ट हुई है लिटरली। 1.5 मंथ से बाइक खड़ी की खड़ी थी, एक सेल्फ में स्टार्ट हुई है। मैं मतलब आप समझो पटना पहुंचने के बाद मैंने बाइक को मतलब कवर जो ढकी हुई थी मैं उसको हटा के भी नहीं देखा था कि मेरी बाइक की क्या हालत है। मैं अभी जस्ट अभी ब्लॉग बनाने के लिए निकला हूँ तो मैं अभी बाइक को निकाल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो एक बार में बाइक स्टार्ट हो गई। तो चलते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले इसको प्रॉपर वॉश करवाते हैं। आफ्टर 1.5 मंथ अपने बाइक से मैं मोटो ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी गलती कर गया, मेरे को झारखंड बाइक को लेकर जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं गाइस अभी चलते हैं, पहले इसको बाद में बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले चलते हैं अपनी बाइक को वॉश करवाने के लिए। तो बस अपन लोग मॉड्स गैराज पहुँच ही गए हैं, तो सबसे पहले बाइक को लगाते हैं और प्रॉपर एक अच्छे से क्लीन वॉश करवाते हैं इसको, क्योंकि मैं बाइक को ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ। भाई बंद हो रही है बाइक, अभी बाइक को प्रॉपर वॉश होने के बाद आपको लुक दिखाएंगे बाइक का कि कैसी दिखती है। स्नोफॉल हो रही है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, अभी बाइक प्रॉपर फॉर्म वॉश होगी भाई, इसके बाद बाइक में एकदम साइन, इतनी सही साइन आएगी ना। अपनी बाइक वॉश हो चुकी है भाई, क्या साइन मार रही है। अभी इससे पहले वाली क्लिप ऐड करूँगा, उसमें आप देख सकते थे कितनी गंदी थी बाइक, मतलब पूरी डस्ट से भरी हुई थी, क्योंकि 1.5 मंथ से कहीं निकली नहीं थी। तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधे बिना टाइम वेस्ट किए, सीधे मोटर सब ब्लॉगिंग सेटअप पे मिलते हैं। कोई भी आता है बोलता है तो हम सबसे पहले तुम्हारा वीडियो दिखाते हैं, इंस्टाग्राम दिखाते हैं, देखिए ये बगल का लड़का है। थैंक यू सो मच, उसको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच भैया, ठीक है प्रिंस भैया चलते हैं। ठीक है भैया, तो गाइस चलते हैं यहाँ से, अपनी बाइक प्रॉपर वॉश हो गई है भाई। अभी जाके मेरे दिल को ना खुशी हो रही है कि चलो बाइक अब सुंदर दिख रही है। और अभी यहाँ से सीधे चलते हैं पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब पे जैसे ही आपका $10 कंप्लीट होता है तो यूट्यूब एक एडसेंस पिन भेजता है वेरीफाई करने के लिए कि वो आप ही हो कि नहीं। तो वो पिन मेरे को 7 फरवरी को ही यूट्यूब सेंड कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पटना में था भी नहीं तो मेरे को वो रिसीव भी नहीं हुआ। तो अभी चलते सबसे पहले पोस्ट ऑफिस, वहाँ चेक करते कि भाई पिन अभी तक क्यों नहीं मिली है। अरे भाई ट्रैफिक गाइस, पटना आए भाई और ट्रैफिक मिलना शुरू, कुछ नहीं कर सकते। ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मेरे को इरिटेशन इसी से होता है ना, ट्रैफिक। और अभी तो गर्मी स्टार्ट होने वाली है, मतलब गर्मी में अगर ट्रैफिक में आप फंस गए पटना में, समझ लो आपकी आधी एनर्जी वहीं पे, आधी क्या पूरी एनर्जी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मेरे को यही गंदा लगता है ट्रैफिक। ये सोचो ये तो छोटी सी गली है, मोहल्ले की गली, इसमें इतना ट्रैफिक है, तो आप सोचो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप मेन रोड में कितनी ट्रैफिक रहेगी। कोई नहीं गाइस, इस ट्रैफिक के बाद सीधे आपको मिलते हैं।
मैं अभी ट्रैफिक से निकल चुका हूँ, तो मैं टॉपिक पे बात कर रहा था गूगल एडसेंस पिन की ना। तो गूगल आपको एक पिन भेजता है, एक्चुअली सीन क्या रहता है ना कि गूगल जो पिन भेजती है उसमें आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन मैं यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर लोग की वीडियो देखा था तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप जो एड्रेस डालते हो उसी में ही मोबाइल नंबर को इंटीग्रेट कर दो सो दैट कि पोस्टमैन आपको कॉल कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई पोस्टमैन की तरफ से कॉल नहीं आई है, तो अभी सबसे पहले चेक करते हैं भाई पोस्ट ऑफिस में जाकर कि मेरी पिन आई है कि नहीं। अगर आई होगी तो डेफिनेटली गाइस रिसीव करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, और अगर नहीं आई होगी तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद सीधे अपन लोग चलेंगे मिथुन भैया के शॉप पे, वहाँ पे अपने को जेल नंबर प्लेट लगवाना है पोस्ट ऑफिस यहीं पे। तो सबसे पहले यहीं पे चेक करते हैं कि अपना आया है कि नहीं एडसेंस पिन। मैम अभिनव रंजन के नाम से कोई पोस्ट आया है क्या? अभिनव रंजन? नो मैम, हम फ़ोन नहीं किए मैम, मेरा गूगल की तरफ से आया होगा, एडसेंस पिन है उसमें, मतलब अभिनव रंजन के नाम से आया था। तो कहाँ पे होगा मैम? वहाँ मेन पोस्ट ऑफिस पता करना पड़ेगा, वहाँ पे तो अपना काम नहीं बना। मैम बता रही हैं कि नहीं ऐसा कोई यहाँ पे पिन रिसीव नहीं हुआ, तो अपने को अब हेड पोस्ट ऑफिस में ही पता करना पड़ेगा कि अपनी पिन आई है कि नहीं। अब हेड पोस्ट ऑफिस देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो जाएंगे, अभी तो उससे पहले सबसे पहले अपना जेल नंबर प्लेट लगवाने जाते हैं गाइस, बिकॉज मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है ना, लिटरली मैं आप समझो जो 4-5 महीने से मैं विदाउट नंबर प्लेट चल रहा हूँ ना। तो लेकिन अब रिक्स नहीं लूँगा क्योंकि मैं झारखंड में था, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ के कॉप्स कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए, वो लोग बाइक को डायरेक्ट सीज कर दे रहे हैं ना विदाउट नंबर प्लेट। तो अब मैं रिक्स नहीं लूँगा, तो यहाँ से चलते गए सीधे मिथुन भैया के शॉप पर, और वहाँ पर आपको नंबर प्लेट दिखाता भी हूँ और लगाता भी हूँ, और ये भी बताऊँगा गाइस कि जेल नंबर प्लेट को अप्लाई कैसे करते हैं ना, बिकॉज जेल नंबर प्लेट रहता है कि उसमें आपको होल वगैरह नहीं करना, अगर आप होल कर दोगे तो वो भद्दी हो जाएगी। तो देखते हैं गाइस चलते हैं वहाँ पे सीधे, भी नंबर प्लेट भी आपको दिखाते हैं और वहाँ पे उसको फिक्स भी करवाते हैं। तो अपने को ना दो काम करवाना है, एक तो नंबर प्लेट भी लगवाना है, और दूसरा क्या है ना कि आपको, आप लोग को फर्स्ट ब्लॉग में ही बहुत लोग नोटिस कर लिए थे, मैं जो अपनी हैंडल है ना उसको आगे की तरफ बेंड करके रखा हूँ, उससे थोड़ा कंफर्टेबल भी होता है और मैं रील वगैरह बनाता हूँ तो उसमें थोड़ी बाइक की लुक एनहांस हो जाती है। लेकिन अब नहीं गाइस, अब मैं ना ये जो हैंडल इसकी बेंड की हुई है, मतलब बेंड नहीं सॉरी डाउन की हुई है, तो उसको मैं अब जैसे नॉर्मल पोजीशन में रहती उसी तरह कर लूँगा ना, क्योंकि अब मेरा प्लान ये हो रहा है कि मैं व्हीली की मतलब व्हीली प्रैक्टिस करूँगा, तो व्हीली सेशन करूँगा, तो ये हैंडल ऐसे है तो थोड़ा दिक्कत होता है, अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ, तो इसीलिए इसको ना थोड़ा आगे की तरफ कर लूँगा, जैसे स्टॉक में आती है उसी तरह करवा लूँगा। तो एक अपना नंबर प्लेट का भी काम हो जाएगा और एक हैंडल का भी काम हो जाएगा गाइस। तो देखते हैं अभी ट्रैफिक ही, मतलब जहाँ से निकल रहा हूँ वहीं पर भी ट्रैफिक मिल रही है, पता नहीं अभी टाइम हो रहा है आपका 2:59 हो रही है, लगता है अभी शाम के 3 ही बजे, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है, ऑफिस आवर अभी है भी नहीं तो भी। इतनी खुशी मैं बता नहीं सकता, 390 इतने दिन बाद चला रहा हूँ तो और खुशी हो रही है, क्योंकि मैं झारखंड गया था तब से मैं शायद ही 390 चलाया था, निंजा 300 भी चलाया था, RR 310 भी मतलब मैंने राइड किया था, लेकिन 390 मैंने किसी की नहीं ड्राइव की थी, तो इतने दिनों बाद इतनी पावरफुल मशीन मिल रही है तो मज़ा आ रहा है गाइस। फिर ट्रैफिक गाइस, आज पता नहीं आज मेरी दिन ही ख़राब जा रही है क्या, ट्रैफिक पे ट्रैफिक ही मिलते जा रही है भाई। और इधर तो कुछ ज़्यादा ही लंबा ट्रैफिक ना हो भाई, नहीं तो मैं बहुत गंदा फंसूंगा। मैं सर्विस लेन ले लेता हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे को सर्विस लेन ले लेना चाहिए। एक बार इधर सीन चेकआउट करो, कितनी लंबी जाम लगी हुई है भाई, मैं अगर इसमें रहता ना तो फिर मेरे को रात हो जाती मिथुन भैया के शॉप पर पहुँचते तक। तो गाइज अपन लोग मिथुन भैया के शॉप पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे चेक करो गाइज ये रही अपनी जेल नंबर प्लेट। तो मैंने फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक से ही मैं बोलते आ रहा था कि अपने जेल नंबर प्लेट ऑर्डर की हुई है, ये एक्चुअली आ बहुत पहले गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं झारखंड चले गया था तो लगवा नहीं सकता था गाइज। तो आप लोग चेक करो इस नंबर प्लेट को भाई, क्या ओपी लग रहा है ना, आप देखो कितनी साइन, और इसको मैंने कस्टम बनवाया ना ऊपर नीचे, आप जो देख रहे हो ये कार्बन फाइबर फिनिश में, और प्लस मैंने अपनी इंस्टा की आईडी इंग्रेविंग करवाई है, और ये जो मतलब मटेरियल है इसको एक्रेलिक शीट बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये बहुत कमजोर है तुरंत टूट जाएगी, तो ऐसा कुछ इसका लुक है। और फ्रंट नंबर प्लेट का लुक दिखाता हूँ गाइस, चेक करो फ्रंट नंबर प्लेट भी, ये भी सेम एक्रेलिक शीट से बनी हुई है, और अभी इसको सबसे पहले फिट करवाते हैं गाइस, और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा कि ये मैंने कहाँ से मंगवाया है। आप लोग एक चीज़ पूछोगे भाई ये नंबर प्लेट को स्टिक कैसे की हो, सबसे ज़्यादा क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया था, अगर आप देखोगे तो इसकी होल बहुत डिफरेंट जगह पे आ रही थी, अगर मैं होल कर देता तो ये पूरी नंबर प्लेट की लुक ही खराब हो जाती। तो गाइस उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, आपको ये परचेस करना पड़ेगा एरल डाइट, आप सबसे ये 36 ग्राम का, इससे छोटी वाली भी आती है, आप उसको परचेस कर लेना, इसमें दो रहती है ट्यूब, उस दोनों को मिक्स करके आप इसको स्टिक कर देना, लिटरली इतनी रात भर आपको छोड़ना पड़ेगा, इतनी अच्छे से स्टिक हो जाती है कि अब ये निकलेगा नहीं, अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो ये जो नंबर प्लेट है वो टूट जाएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको लगवाते हैं और गाड़ी की आपको प्रॉपर लुक देते हैं कि कैसी दिख रही है। तो अपना नंबर प्लेट का काम हो गया और हैंडल का भी काम हो चुका है, आप आगे से चेक कर लो, आगे से ऐसा कुछ अपना नंबर प्लेट दिख रहा है, और मैं आपको पीछे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो
देख लो गाइस पीछे से ऐसा कुछ नंबर प्लेट लग रहा है। अब गाड़ी जाके भाई अब थोड़ा सा और बल्कि लग रहा है ना, क्योंकि पीछे से खाली खाली था तो लुक अच्छा आ रहा था, लेकिन वही है कि कॉप्स का दिक्कत रहता है गाइस। तो अभी आपको बाइक की प्रॉपर लुक दे दूंगा कि बाइक अभी कैसी दिख रही है। तो यहां से अब सीधे चलते हैं जू की तरफ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इंस्टाग्राम पर भी अपडेट नहीं कर रहा हूं, रील वगैरह नहीं डाल रहा हूं, तो अभी चलते हैं सीधे रील शूट करने के लिए। गाइस लिटरली चूतियों की कमी नहीं है, उधर से एम्बुलेंस आ रहा है लेकिन भाई कोई एक मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं है, सब भगाए जा रहे हैं वहाँ पे। देख रहे भाई एम्बुलेंस सायरन दे रही है, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं ना वो चुनौतियों से नहीं परेशान है, चूतियों से परेशान है। और पता नहीं कॉप्स क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कॉप्स रहते हैं लेकिन तब भी वो लोग नहीं जाने दे रहे हैं। सर भाई देख रहे कोई रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। गलत सीन है भाई यहाँ का भी, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है भाई। जनतांत्रिक विकास पार्टी, आई डोंट नो ये अब किस चीज़ की चुनाव हो रही है गाइज, बिकॉज वार्ड की चुनाव तो हो गई थी बिहार में। क्या बोलते हो गाइज, मैं भी खड़ा हो जाऊँ क्या चुनाव में? आपका नेता कैसा हो? अभिनव रंजन जैसा हो? मजाक कर रहा हूँ गाइज। आपको फ्रंट साइड से मैं दिखाता हूँ, चेक करो गाइस कैसी लग रही है आपको नंबर प्लेट, आप कमेंट करके बताना। और भाई मैं इसकी अभी सारी डिटेल बता देता हूँ ना कि आप ये नंबर प्लेट कहाँ से ले सकते हो, कितना आपको कॉस्टिंग पड़ेगा, आप उनको डीएम करना, वो लोग कॉस्टिंग बता देंगे, क्योंकि कॉस्ट ना वैरी करती है एक नंबर प्लेट से दूसरे नंबर प्लेट पे। मोटो क्लॉक अंडरस्कोर ऑटोमोटिव्स यही उनकी पेज है गाइस, इसमें आप चेक कर सकते हो, ये लोग सारे कार से लेके बाइक सब कुछ का कस्टम नंबर प्लेट बनाते हैं और इनके पास बहुत तरह की वैरायटीज ऑफ डिजाइन है। तो आप लोग इनको जाकर डीएम करो इस नंबर प्लेट के रिगार्डिंग कि भाई कितना कॉस्टिंग आएगा क्या आएगा, और आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि बाइक की लुक कैसी लग रही है और नंबर प्लेट लगाने के बाद बाइक की लुक और इनहेंस होगी। पहले मेरे को नंबर प्लेट पसंद नहीं आता था लेकिन अब इतनी प्यारी जेल नंबर प्लेट रही गाइस तो लगाना बनता है ना। अपन लोग जू पे पहुंच चुके थे और अभी देखो अपन लोग का उधर सिनेमैटिक शॉट जो निकालना था वो सब निकाल लिए, तो अभी रनिंग शॉट निकाल रहे हैं। चेक करो गाइस हम लोग की मेहनत, आगे में देख रहे हो आगे में रवि भैया है, वो प्रॉपर अभी मेरा रनिंग शॉट ले रहे हैं। एक्चुअली अभी गिम्बल बैलेंस नहीं हो पाया था तो इसीलिए अभी वो हाथ से निकाल रहे, नहीं तो अपना ये जो रनिंग शॉट है वो गिम्बल से निकलती है। अभी जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था इससे पहले जब मैं मिथुन भैया के शॉप से निकला था कि अपने को रील शूट करना है, तो देखो गाइस अपना रील शूट हो रहा है अभी। अभी मैं रवि भैया की क्लिप निकाल रहा हूँ गाइस, एमटी में पीछे बैठा हूँ ना, बहुत डर लग रही है क्योंकि एमटी की सीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटी होती है और मैं पीछे बैठा हूँ, लिटरली इतना ज़्यादा डर लग रहा है, लग रहा है भाई अभी गिर जाऊँगा। तो गाइस देखो कुछ ऐसे हम लोग ना रील का शॉट्स वगैरह निकालते हैं। एक्चुअली सीन क्या हुआ कि अभी हम लोग जो रनिंग शॉट है वो गिम्बल से निकालते हैं, बट शाम बहुत ज़्यादा हो रही थी और गिम्बल बैलेंस नहीं हो पाया था, तो अपन लोग डिसाइड किए कि हैंड से ही निकाल लेते हैं। चेक करो ड्यूक 390 MT15 RS 200 RC 125, उधर SSR पटना सोनू भैया लोग बैठे हुए हैं गाइस, और रवि भैया लोग हैं, सबको अपने ग्रुप के मेंबर लोग आए हुए, सब अभी रील शूट किए गाइस, यहाँ से सारा रील वगैरह सब कुछ शूट हो गया है, अब इसके बाद सीधे डायरेक्ट घर की तरफ निकलेंगे। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि आप लोगों को आज की ब्लॉग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। भाई मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ लेकिन अगर आपको मन होगा तभी करना, कोई फोर्स नहीं है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।